हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश पवार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं राइट वैल्यू प्रॉपर्टीज में। राइट वैल्यू मेक्स यू हैप्पी। दोस्तों, राइट वैल्यू प्रॉपर्टीज, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको आपके चॉइस की प्रॉपर्टीज घर पर ही रहकर शॉर्टलिस्ट करने का मौका मिलता है। और हम लोग इस चैनल पर, राइट वैल्यू प्रॉपर्टी के चैनल पर, अब तक बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। और आज की अगर मैं वीडियो की बात करूं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3BHK की एक बेहद ही शानदार वीडियो। दोस्तों, काफी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है 3BHK थोड़ा स्पेशियस हो, खुला हुआ हो, कम से कम ऑन पेपर 100 स्क्वायर यार्ड हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आप चाहते हैं कि लिविंग रूम काफी अच्छा हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, 80-85% तक लोन हो जाएगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। अगर मैं मेट्रो स्टेशन या मेट्रो लाइन से इस प्रॉपर्टी की डिस्टेंस की बात करता हूं तो सिर्फ आपको 150 से 200 मीटर की दूरी पर आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाती है मेट्रो लाइन से। और इस प्रॉपर्टी के नियर बाई दो मेट्रो स्टेशन होते हैं। पहला मेट्रो स्टेशन द्वारका मोड़, जो कि यहां से अप्रॉक्स 500-600 मीटर की दूरी पर है, और दूसरा मेट्रो स्टेशन द्वारका मेट्रो स्टेशन, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ 500-600 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों, यानी कि दोनों मेट्रो स्टेशन के सेंटर में ये प्रॉपर्टी है। दोस्तों, सेमी फर्निश्ड 3BHK फ्लैट है जिसमें आपको सेमी मॉड्यूलर किचन मिलने वाली है। और बहुत ही प्यारा काम किया गया है इस फ्लैट के अंदर, जिसमें हम आपको कमाल की बात यह है कि गीजर RO भी लगा कर देने वाले हैं, इंस्टॉल करके देने वाले हैं, चिमनी आपको इंस्टॉल करके देने वाले हैं, सीलिंग फैन हम आपको इंस्टॉल करके देने वाले हैं, सैंडलेयर हम आपको लगा कर देने वाले हैं। तो फिर वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी विजिट। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइस के बारे में हम आपसे एंड में बात करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस फ्लैट की एक अमेजिंग विजिट। तो यहां से हमारी एंट्री हमारे फ्लैट के अंदर होती है। मैं आपको बता दूं, सीधा सामने आप देखेंगे तो फ्लैट के सामने स्टेयर्स हैं और इसी के दाहिनी तरफ आपको लिफ्ट सेक्शन मिलता है, यानी कि कार पार्किंग प्लस लिफ्ट के साथ आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो ये काफी अमेजिंग लिविंग रूम आपको मिलता है। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो 13x20 के साइज का ये लिविंग रूम आपको मिलता है, जहां पर आपको डाइनिंग टेबल को भी लगाने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं यहां पे इसमें टाइलिंग की बात करूं तो ये जो आप देख रहे हैं सेमी ग्लॉस टाइल लगाई गई है, विट्रीफाइड टाइल होती है जो कि बेस्ट क्वालिटी होती है, पत्थर के दाने को पीस के बनाई जाती है, अच्छी टाइल्स होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। दोस्तों, अब देखिए इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर आप आसानी से 4x3 सीटर सोफा प्लेसमेंट देने के बाद ये जो जगह बचती है यहाँ पर आपके काफी अच्छे साइज की डाइनिंग टेबल आ जाएगी। यानी कि आपको डाइनिंग टेबल के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ पर डाइनिंग टेबल फिट करें अपनी। और ये देखिए, यहाँ पर आपको स्प्लिट एसी का प्रोविजन मिलता है, यानी कि सारी इंटरनल वायरिंग हमने की हुई है, आपको सिर्फ इंडोर आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल करना है। अब देखिए, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये वॉलपेपर है, 3D वॉलपेपर इंस्टॉल करके हम आपको देते हैं। कस्टमाइज वॉलपेपर होते हैं, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी के पेपर पर प्रिंट होकर ये आते हैं। दोस्तों, यानी कि ये काफ़ी टाइम तक चलने वाली चीज़ है, ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। और ये देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा पेंट क्वालिटी यूज़ की गई है, प्लास्टिक पेंट। यानी कि अगर आपके बच्चे हैं घर में और वो पेन चला देते हैं या फिर कोई गंदा हाथ यहाँ पर लग जाता है तो आप इसे आसानी से साफ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस लिविंग रूम की जो USP है वो है इसका फॉल सीलिंग डिजाइन। आप देखिए कितना अमेजिंग फॉल सीलिंग डिजाइन मिलता है, यानी कि जब आपके घर में कोई गेस्ट आएगा तो वो एक बार जब इस फ्लैट के अंदर कदम रखेगा तो उसके मुंह से वाओ जरूर निकलने वाली है। दोस्तों, बहुत अमेजिंग फील आने वाला है। और साथ में, जैसा कि मैंने बताया, सीलिंग फैन हम आपको लगा कर देंगे और साथ में एक इंपोर्टेड सैंड लेयर हम आपको लगा कर देते हैं जो कि ब्लूटूथ के साथ है। यहां पर आप बहुत ही मधुर संगीत का भी मज़ा ले सकते हैं, यानी कि अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और गाने यहाँ पर सुन सकते हैं आप। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हमारा कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम के अंदर आप एक बहुत ही कमाल की चीज़ देखने वाले हैं, जो हर फ्लैट में नहीं होती है, लेकिन इस फ्लैट के अंदर खास ख्याल रखा गया है। ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो ये स्पेस मिलता है। ये हमारा, आपको मैं दिखा दूँ तो मेरे दाहिनी तरफ वॉशरूम है
और बाईं तरफ हमने एक बहुत ही बड़े साइज की वार्डरोब यानी अलमीरा बनाई है। यानी आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो जब वो वॉशरूम यूज़ करता है तो उसको कपड़े चेंज करने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, वो रूम में जाता है, निकल के जाता है, लोग बैठे होते हैं, थोड़ा सा शाय फील करता है। तो यहाँ पर आपको वॉशरूम के साथ में अलमीरा दी हुई है, यानी कि आपको कपड़े चेंज करने की दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल परफेक्टली तैयार होके वॉशरूम से निकलने वाले हैं। बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है, वॉशरूम का साइज़ भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं आपको ये ज़रूर दिखाता लेकिन यहाँ पर लाइट अभी ख़राब हो गई है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। जब आप विजिट के लिए आएंगे तो ये वॉशरूम आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, अभी मैं बिल्कुल दिखाता आपको लेकिन लाइट थोड़ी कम है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप मैंने कहा कि सामने सोफा प्लेसमेंट होगी तो ऑब्वियसली लिविंग रूम के अंदर टीवी पैनल होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो काफ़ी अमेजिंग वाइट और वुडन शेड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रखा गया है, और ये आपको काफ़ी बड़े साइज का LED पैनल यहाँ पे इंस्टॉल करके हम देते हैं, जिसमें आसानी से आप काफ़ी बड़े साइज़ का LED यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये स्टोरेज के लिए स्पेस मिलता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं, छोटी छोटी कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलूँगा इस फ्लैट की सेकेंड USP, वो इसकी किचन है। किचन बहुत स्पेशियस है, खुली हुई है, अब देखिए ये किचन काफ़ी अच्छे साइज़ की है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का आपको एक कंजेस्टेड फील नहीं होगा कि यार खाना बनाते हुए आराम से दो तीन हमारी माताएं बहनें यहाँ पे काम कर सकती हैं। अगर किसी को बर्तन साफ़ करना है बर्तन साफ कर सकता है, एक लेडी यहाँ पे खाना बना सकती हैं, तो किसी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। और ये देखिए 5 फीट की हाइट तक टाइलिंग वर्क किया गया है ताकि आपको कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर क्लीनिंग का कोई इशू नहीं आए। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि किचन के अंदर विंडो हो। अब देखो इसमें क्या है कि ये फ्रंट साइड का 3 BHK का फ्लैट है, तो इसमें सामने की तरफ एक विंडो दी हुई है काफ़ी बड़े साइज़ की, प्लस आपको इसमें चिमनी लगाने का प्रोविज़न दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपको मिलता है हैंडमेड की सिंक, हमेशा मैं बोलता हूँ अपने वीडियो में, बेस्ट क्वालिटी होती है, साउंडलेस होती है, आवाज़ नहीं आती बर्तनों के खनकने की, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। और ये जितने भी आप सैनिटरी आइटम्स देख रहे हैं, टैप्स देख रहे हैं, ये भी बेस्ट क्वालिटी के लगाए गए हैं दोस्तों। स्टोरेज को लेके किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा किसी भी तरह का। और ये जो आप फोकस लाइट देख रहे हैं, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैंने कोई भी किसी तरह की लाइट यहाँ पे ऑन नहीं की हुई है, सिर्फ फोकस लाइट और सीलिंग लाइट से ही इतनी रोशनी यहाँ पे मिलती है आपको। ऊपर भी आप देखेंगे तो प्रॉपर फॉल सीलिंग डिज़ाइन दिया गया है, और सेंटर में आप यहाँ पे एक छोटा फैन लगा सकते हैं या फिर कोई भी एक रूफ हैंगिंग लाइट होती है जो सैंड लेयर, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। ये जो स्पेस है ये आपका फ्रिज के लिए है, यहाँ पे आप अपना फ्रिज इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलूंगा हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट बेडरूम, इसमें 2 बेडरूम जो हैं वो फ्रंट बालकनी के साथ अटैच हैं। अभी मैं इस बेडरूम को डिस्क्राइब करने वाला हूं। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूं तो 10x11 के साइज़ का ये बेडरूम है, जिसमें आप देखेंगे यहां पर हमने वार्डरोब दी हुई है, अलमीरा बनाई हुई है, यानी कि आपको सामान रखने का इशू नहीं आएगा और कपड़े वगैरह आसानी से आप यहाँ रख सकते हैं। इसके साइड में आप देखेंगे तो ये शॉफ्ट दी हुई है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ आप देखेंगे तो विंडो AC का प्रोविज़न दिया हुआ है, और इसी के साथ एक वॉल जो हम हमेशा हर बेडरूम के अंदर या फिर लिविंग रूम के अंदर डिज़ाइनर वॉल देते हैं, ये आपको मिलती है प्रॉपर यहाँ पे, ये वॉलपेपर इंस्टॉल किया हुआ है हमने। एक सीलिंग फैन हम आपको लगा के देते हैं, और फॉल सीलिंग डिज़ाइन आप देख ही पा रहे होंगे, काफ़ी अमेजिंग लुक आ रहा है यहाँ पे। ब्लू लाइट्स जो सीलिंग लाइट्स हैं, कॉप लाइट्स हैं, यहाँ पे अमेजिंग लुक दे रहे हैं उसको दोस्तों। टाइलिंग वर्क जैसा कि आपने देखा लिविंग रूम के अंदर हमने जो टाइल लगाई हैं वो सेमी ग्लॉस टाइल लगाई हैं, थोड़ा सा एंटी स्किड टाइल लगाई है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो हाई ग्लॉस टाइल लगाई गई है, वाइट शेड में ये टाइल है जो कि इस बेडरूम का जो गेटअप है उसको इन्हेंस करती है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ जो कि बालकनी से अटैच है, और ये हमारा सेकंड बेडरूम। दावे के साथ कह सकता हूँ सेकंड बेडरूम देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, साइज बहुत अच्छा है, 12x12 के साइज का ये बेडरूम है। सेम टाइल यूज की गई है, विट्रीफाइड हाई ग्लॉस टाइल, और अगर मैं यहाँ पर आप देखेंगे तो वॉलपेपर आप देखेंगे हर बेडरूम के अंदर एक डिफरेंट शेड का वॉलपेपर आपको देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि फ्रंट साइड का फ्लैट है तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े साइज की एक
विंडो मिलती है, जिसमें हमने आप देखेंगे यहाँ पे तो जाली वाली विंडो भी लगाई हुई है, डोर लगाया हुआ है, ताकि आपको मच्छर वगैरह से या किसी भी तरह की मक्खियाँ परेशान जो करती हैं घर में घुसाती हैं उनसे आपको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगी। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप अपना विंडो एसी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत ही सिंपल और डिसेंट यहाँ पे फॉल सीलिंग का डिज़ाइन रखा गया है, और सेंटर में हमने ओरिएंट का एक सीलिंग फैन लगाया है। जितने भी सीलिंग फैन इसमें आप देख रहे हैं सभी ओरिएंट के लगाए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ से हमारी जो एंट्री हो जाती है ये बालकनी में हो जाती है, और यहीं बालकनी से होता हुआ मैं आपको मास्टर बेडरूम के अंदर लेकर चलूँगा। दोस्तों ये देखिए काफ़ी अच्छे साइज़ की बालकनी आपको मिलती है। अब ये आपको टैब मिलता है, यहीं आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, यानी कि आपको अपने कपड़ों को वॉश करने का किसी भी तरह का इशू ना आए, और यहीं पे आप उनको सुखा सकते हैं। दोस्तों स्टेनलेस स्टील की ग्रिलिंग लगी हुई है, और अगर मैं इसकी फ्रंट की बात करूं, एलिवेशन की बात करूं, तो दोस्तों आप पूरी बिल्डिंग पर देखेंगे तो इसमें टाइलिंग वर्क किया गया है। ये आप देखिए ये विट्रीफाइड टाइल हैं 2x4 की, जिसको सैम्फरिंग के साथ कटिंग करके लगाया गया है। इनर वॉल पे आप देखेंगे और आउटर वॉल पे आप अलग, यानी कि डिफरेंट शेड की टाइल, दो तरह की टाइलें यहाँ पे यूज़ हुई हैं दोस्तों। और यहीं से हमारी एंट्री हमारे मास्टर बेडरूम के अंदर हो जाती है। दोस्तों आप देखेंगे तो अगर मैं मास्टर बेडरूम के साइज़ की बात करता हूँ तो ये आपको मिलता है 10x10 के साइज़ का बेडरूम, और इसमें भी आप मेरे पीछे देखेंगे तो ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ राउंड सर्कल बने हुए हैं, और जो काफ़ी अमेजिंग आपको लुक दे रहा है यहाँ पे वॉलपेपर का। और यहीं से हमें साथ में मिल जाता है हमारा अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम भी काफ़ी, मतलब बहुत बड़े साइज का नहीं है, मीडियम साइज का वॉशरूम है, जो कि किसी तरह की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आएगी यूज करते हुए। वॉशरूम के अंदर आप देखेंगे सीट्स इंस्टॉल की हुई है, वॉश बेसिन लगाया हुआ है, सभी सैनिटरी आइटम्स की फिटिंग्स की हुई है, और आपको टाइलिंग वर्क भी हम आपको प्रॉपर करके दे रहे हैं। दोस्तों नीचे आप देखेंगे फ्लोर पे तो एंटी स्किड टाइल हमने लगाई है वॉशरूम के अंदर, ताकि आपका पैर ना फिसले। और इस बेडरूम के अंदर भी आप देखेंगे तो काफ़ी अमेजिंग फॉल सीलिंग डिज़ाइन आपको मिलता है, जो कि रिच लुक देता है। और यहाँ पे आप देखे होंगे आपने, सभी हमने जितने भी फॉल सीलिंग डिज़ाइन रखे हैं वो थोड़े से सिंपल रखे हैं, सिंपल एंड शोवर, जितने सिंपल रहती है चीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ, जैसा कि आपने पूरी विजिट की तो ये थी हमारे फ्लैट की एक छोटी सी विजिट। मुझे उम्मीद है कि ये विजिट आपको काफ़ी अमेजिंग लगी होगी, और ये फ्लैट भी आपको काफ़ी अमेजिंग लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन हिट करेंगे तभी आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छी वीडियोस लाने की प्रेरणा मिलती है, दोस्तों एनर्जी मिलती है। अब मैं बात, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊं आपको इसकी फीचर्स की इस फ्लैट के अंदर, तो जैसा कि मैंने कहा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, मेट्रो स्टेशन जैसा कि मैंने आपको बताया दो दो मेट्रो स्टेशन नियर बाय मिलते हैं, मेन रोड जो एंट्रेंस होती है मेट्रो लाइन से काफ़ी बड़ी रोड है, 55 फीट की रोड से एंट्री होती है, जो कि इस बिल्डिंग पे आती है तो कनेक्टिविटी 25 फीट की रोड पे आपको मिल जाती है मेन रोड पर। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस मैं इस फ्लैट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर आपको इस फ्लैट का प्राइस मिल जाएगा। दोस्तों अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग फ्लैट, मिस मत कीजिएगा। अगर फ्लैट अच्छा लगा, विजिट के लिए आना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको हर तरीके से आपके सभी डाउट्स को क्लियर करें। दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम और वीडियोस लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, नई उमंग, नई एनर्जी, नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।